सबको नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जा रही हूँ आज दही बनाने के लिए। इस ठंडी में दही कैसे बनता है, और कल त्योहार है मकर संक्रांति, तो इसलिए मैं आज दही बना रही हूँ। दोस्तों, ये फुल क्रीम दूध है अमूल का। हम दही बनाएंगे इसका। अभी अच्छे से उबलने देंगे। इसको हम धीरे से हिलाते रहेंगे, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इधर मैं कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। इसमें एक चम्मच चीनी डालना है मुझे। एक चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा डेढ़ चम्मच। इसको धीरे से हिलाएंगे, पानी नहीं देना है इसको। इसमें पिघल जाना चाहिए धीरे धीरे हिलाते हुए। इसको तब तक गर्म करना है जब तक ये पिघल ना जाए। जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। मेरा दूध उबल गया है अच्छे से। चीनी भी मेल्ट होने लगा है। चीनी को मुझे अच्छे से मेल्ट करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो रहा है। अब हो चुका है दोस्तों, इसको जलाना नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले डालेंगे दूध, नहीं तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज गर्म है। इसको पहले हिलाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के। इसमें इसको छान के दे देना है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया। ये मेरा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा कुछ देर ठंडा होने देंगे। गैस हम कर दिए ऑफ। करेंगे इस बर्तन में, एक दूसरे बर्तन में ऐसे उठा के करना है। इससे ठंडा भी होगा और दूध में झाग। दोस्तों, एक बार दूध को हम छान लेंगे, क्योंकि जब हम दूध को उबालते हैं तो कुछ नीचे भी बैठ जाता है, तो वो मेरे दही में दिखेगा, इसलिए इसको हम एक बार छान लेते हैं अच्छे से।
दूध को हम एक दूसरे बर्तन में थोड़ा ऐसे करने से इसमें झाग आएगा। ये झाग के वजह से मेरा दही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी मलाई ऊपर आ जाएगा, मेरे दही में पूरा मलाई ऊपर तक जम जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना झाग हो रहा है दही दूध में ना। ये मेरा दही अच्छा बनने के लिए रेडी है। इसको थोड़ा गुनगुना रखना है क्योंकि इतनी ठंडी में दही जमने के लिए थोड़ा गर्म रखना है, ज्यादा गर्म भी नहीं रखना है। अगर ज्यादा गर्म रखेंगे तो दही में पानी आ जाएगा। जो भाप है वो सेपरेट ऊपर आ जाएगा पानी दही के ऊपर। देखिए दोस्तों मेरा अब इसको हम दोस्तों ये मेरा 2 लीटर दूध है और मैं छोटे छोटे बर्तन में डालूंगी क्योंकि काट कर जो खाने के बाद दही बच जाए उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए एक बर्तन में मैं उतना ही जमाऊंगी जितना कि हम एक बार में पूरी फैमिली खा सके। बस इतना ध्यान रखना है कि दूध को थोड़ा मुझे ऊपर से डालना है ताकि उसमें झाग आ जाए ऊपर। दोस्तों ये बर्तन में हम दूध डाल दिए हैं, दूध मेरा जमाने के लायक ठंडा हो गया है। ये दही है, इसमें से जो पानी है वो नहीं देंगे, जो पानी हटा के दही का, और ये दही थोड़ा दूध रखें इसमें मिला दूंगी अच्छे से। इसमें लम्स नहीं रहे, मेरा दही एक जैसा बनेगा फिर। और इस दही को मैं अब मिला के सब में डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मुझे मिला देना है ताकि सब जगह चला जाए, एक जैसा दही जमे। अब इसको हम कर देंगे बंद। दही हो गया मेरा पैक। अब इसको मैं रख दूंगी ढक के 5-6 घंटे के लिए। ये दही हो गया मेरा पैक। अब मैं इसको जा रही हूँ ढक के रखने के लिए। ये हल्का गुनगुना है, इसको मैं कर दूंगी कवर क्योंकि सर्दी है, इसको भी सर्दी लगता है, सर्दी में नहीं जमेगा, इसको थोड़ा गर्माहट चाहिए, तो इसको हम कर देंगे इसमें पैक और इसको मैं दबा के रख दूंगी। किसी चीज से आप अपना दबा लीजिए, हम इसको ऐसे दबा देंगे, फिर देखेंगे 5-6 घंटे बाद। दोस्तों मैं दही जो जमने के लिए दी थी, मेरा दही एकदम परफेक्ट बनके तैयार है।
आप भी ऐसे ट्राई करिए, बहुत अच्छी दही बनेगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, आप भी दही जमा के देखिए आपका कैसा बनता है बताइएगा। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।